आपने एक वीडियो जारी किया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रहा है, वो कि व्यापारी संघ अगर सरकार अनुमति देती है दुकानें शॉप खोलने के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप 9 तारीख को दुकानें खोल लेंगे, तो क्या डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन में आके व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय के रास्ते पे आके प्रोटेस्ट करने पे। पीछे 3 दिन से हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, हमको पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया, समझाया गया, हमने अपनी बात भी रखी सामने, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हमको रास्ते पे आना पड़ रहा है। नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, वो वीडियो है सीता बरडी नागपुर का, क्योंकि सीता बरडी नागपुर के व्यापारियों ने ऐलान कर दिया था कि सरकार हमें अनुमति, दुकान खोलने की अनुमति दे या ना दे, NMC दे या ना दे, लेकिन हम 9 तारीख को हमारी दुकानें हम खोल लेंगे, शॉप को खोल लेंगे। क्योंकि कारण ये है कि कई दिनों से लॉकडाउन के कारण व्यापारी भी परेशान है और व्यापारी से जुड़े जो वाले वर्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। आज बरडी एसोसिएशन के हुसैन भाई है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला था। देखिए, मामला ये लॉकडाउन का ही है। पिछले 13 महीने से स्थिति लॉकडाउन में 3-4 बार तब्दील हो चुकी है। इसमें पहली दूसरी बार तो व्यापारियों ने साथ दिया बढ़ चढ़ के, और हमने भी चीज़ों को समझी और हमने माना कि नहीं, ये काफ़ी गंभीर मामला है और हमने इसमें पूरा साथ देना चाहिए। इनिशियल लास्ट ईयर 3 महीने हम लोगों ने फुल लॉकडाउन रखा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पार्शियल लॉकडाउन रहा, उसके बाद में बिज़नेस की स्थिति वैसे भी बराबर नहीं रही। लास्ट अभी मार्च 2021 में वापस हमको बताने में आया कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अब ये लॉकडाउन है। हम लोगों ने फिर मार्च में 15 से 20 दिन का टोटल लॉकडाउन हम लोगों ने फिर फॉलो किया। उसके बाद हम लोग अप्रैल में कदम रखते ही 5 तारीख को हमको ऐसा बताने में आता है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन है, लेकिन अचानक से हमारे सामने नया नोटिफिकेशन आता है कि सैटरडे संडे नहीं, पूरा का पूरा महीना 5 से 30 तारीख तक ही लॉकडाउन है। व्यापारी काफ़ी त्रस्त हो गए, व्यापारियों की और लॉकडाउन झेलने की हालत नहीं रही, उनके पीछे उनके कर्मचारियों की सैलरी लगी है, उनके दुकानों के बैकलॉग पेमेंट्स, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, MSEB बिल्स और बहुत सारी व्यवस्था है, और हमको ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। कल हमारा मॉर्निंग 9 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा खोलने का सबका मेजॉरिटी डिसीजन हुआ था, लेकिन गए हुए कल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको कुछ ऐसा आश्वासन मिला है कि वो हम व्यापारी वर्ग के लिए कुछ रिलीफ देंगे, तो हम व्यापारी वर्ग को काफ़ी उम्मीद है कि वो हम लोग के लिए एक अच्छा रिलीफ दे, ना कि नाम मात्र का रिलीफ दे। हम सैटरडे संडे लॉकडाउन रखने के लिए तैयार है, लेकिन वीकडेज में हमारे रेगुलर टाइमिंग्स पे हमको हमारा काम व्यवसाय करने दिया जाए। हम सारे कोविड नॉर्म्स, प्रोटोकॉल और जो भी इस बीमारी को निपटने के लिए शासन प्रशासन से निर्देश रहेंगे, हम व्यापारी लोग वो सारे मान के काम करने तैयार है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में हम रहने बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या क्या मानते हैं आप, अगर सरकार ने आपको ना का अगर आश्वास ना की अगर बात कही तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, और कोई चारा ही नहीं है, अगर हमारी बातों पे आश्वासन दे करके अगर बैकआउट किया गया, व्यापारी आज भी प्रोटेस्ट पे रोड पे ही है, ये प्रोटेस्ट दिन पर दिन बढ़ेगा। आज 100 लोग रोड पे है, कल 1000 लोग आएंगे, और व्यापारी कितने दिन घर पे रहेगा? 13 महीने के बाद आप क्या चाहते हैं कि 2-3 साल व्यवसाय बंद रहे और सारी दुनिया उजड़ जाए? ये पॉसिबल नहीं है। आपके शॉप में या यहाँ की जो शॉप है सीता बरडी नागपुर की, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उनसे क्या जुड़कर आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके परिवार में क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, हर व्यवसाय में 10-12 कर्मचारी है, उनकी फैमिलीज है, हर धंधे के साथ जुड़े हुए 100 टाइप की अलग अलग एजेंसीज है, उनके भी बिजनेस अल्टीमेटली हमारे व्यापार पे ही जुड़े हुए हैं। हमारा व्यापार बंद यानी उनका व्यापार बंद, कर्मचारियों की सैलरी बंद, और व्यापारी ही एक ऐसा वर्ग है जो
सारी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाल के यहाँ तक चला हुआ है। अब इसी के ऊपर बार बार हम लोग मुर्गा बना के हम इसी की गर्दन काटते रहेंगे तो बताइए अर्थव्यवस्था तो कहाँ जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जगह जगह लॉकडाउन का विरोध हो रहा है, बहुत सारी जगह हुआ है, अपने नागपुर में भी कई जगह हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? होना ही है, बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। प्रोटेस्ट बुक होगा तभी शासन प्रशासन को पता चलेगा कि व्यापारियों को तकलीफ है। आज नागपुर शहर के सारे बाज़ार, सदर, धर्मपेट, सीताबर्डी, महल, इतवारी इत्यादि सभी जगह के व्यापारी आज रोड पे है। सारी एसोसिएशन लेवल पे प्रोटेस्ट चालू है और सारे व्यापारियों की एक ही मांग है कि लॉकडाउन ही एक विकल्प नहीं, इसे छोड़ करके आप जो भी नॉर्म्स हमको फॉलो करने बोले हम उसमें काम करने तैयार हैं। बिल्कुल, हर चीज़ की एक सीमा होती है और अब सीमा हो गई है पार लॉकडाउन की, क्योंकि घर बैठे लोग हो गए हैं परेशान, व्यापार हो गया है ठप। और हम हैं बर्डी में, जो नागपुर एसोसिएशन के हुसैन भाई थे हमारे साथ में, जो आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर संवाद कर रहे थे। बिल्कुल, आपने जो वीडियो देखा था कि जो वीडियो वायरल हुआ था कि अगर 9 तारीख को सरकार की ओर से हमें दुकानें खोलने की आदेश अगर नहीं मिलती, परवानगी नहीं मिलती, तो भी हम दुकानें खोल लेंगे। तो आपने सुना है, आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ लॉकडाउन के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं और धंधे व्यापार पूरी तरह से ठप नज़र आ रहे हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रिया शेख, नागपुर।